फाइनली डिसाइडेड कि मुझे किस पे फिल्म बनानी है। बागवा का बच्चन पांडे। देखो मालूम है कौन है वो? अरे किलर है यार वो। रावण है वो, रावण। उसका दिल और उसकी आंख दोनों पत्थर के। भौकाल बनाए रखे के लिए भय बनाए के रखना बहुत जरूरी है। कैच। तो तू मेरा साथ नहीं देगा? नहीं। तो मतलब मेरी फिल्म में रोल भी नहीं करेगा? ये सेकंड हीरो ही होते हैं जो मेन हीरो को खा जाते हैं। वो अपना मुन्ना भाई MBBS में सर्किट याद है? तू भी ना। चल पहले बच्चन पांडे के चमचों को पकड़ते हैं। ये है कांडी। अजीबोगरीब कांड करता रहता है। ये पेंडुलम है। ये बेवड़ा लव पिंकी से और लफड़ा हर किसी से करता है। साले की ऐसे घूरे गाना था आग फोड़ देंगे। ये बफरिया चाचा है। मिलिंडा मैं बच्चन पांडे से डायरेक्टली बात करूं क्या? ज्यादा लपर टपर किया ना यही गाड़ देंगे। मैं बस आप पे फिल्म बनाने आई थी। जैसे वो सत्या सरकार गैंग्स ऑफ वासेपुर वैसे बच्चन पांडे। अब तक आपने कितने लोगों को मारा? आपका 50, हम सबका 20, टोटल 70 हो गया भैया जी। और इन दोनों को मारे होते तो 72 हो जाते। और ये हमारे गुरु जी हाँ भावेश भोपलो। बहु मजा आओ से मायरा इन पत्थरों को तराशने में। सफेद पत्थर, काला पत्थर, ये ग्रेनाइट। गुरु जी का आशीर्वाद नहीं लोगे? जस्ट अट्टा चाहे मायरा क्लिक। इसे कोई आशीर्वाद लेता है? जब हमारे पिताजी कैंसर के लास्ट स्टेज पे थे और मेडिकल वाला पैसे के बिना दवाई देने को तैयार नहीं था, हमने हथियार उठा लिया। हम मारते थे, मजा आता था, और मारते थे और मजा आता था। और ये है सोफी, बच्चन पांडे की महबूबा। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया। तेरे को और मेरे को क्या करेगा ना, तू सोच भी नहीं सकती है। घोड़े लग गए। घोड़े नहीं लो। पता है मुझे तेरे सामने बोल नहीं सकता। तुम पर नजर तो हमरा पत्थर वाला आंख ने भी रखा था। प्लीज हमें छोड़ दीजिए। मुझे भाई नहीं, गॉडफादर बोलते हैं।